वेलकम बैक इन GCA डिजिटल एकेडमी। आनंद सर की तरफ से आपका स्वागत है। आज अपन अगला लेक्चर जो ले रहे हैं वो है टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। क्या है वो? टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस पहला टाइप है उसका, है ना। अपन ने देखा कि लाइफ इंश्योरेंस क्या है, उसका पहला टाइप है। लाइफ इंश्योरेंस का मीनिंग देखो क्या है, है ना। लाइफ इंश्योरेंस का मीनिंग देखो क्या है। लाइफ इंश्योरेंस का मतलब है इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन इंश्योरर एंड इंश्योर्ड, वेयर बाय इंश्योरर एग्रीज टू कॉम्पेंसेट द इंश्योर्ड सर्टन सम ऑन द एक्सपायरी ऑफ सर्टन पीरियड और ऑन द डेथ विच एवर इज अर्लियर फॉर अ कंसिडरेशन। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें कंपनी, मुझे LIC है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन से, वो कंपनी एक व्यक्ति को प्रॉमिस दे रही है। काय के मरने का प्रॉमिस दे रहे हैं वो, कि वो एक पीरियड खत्म हो गया, खास करके 15 साल, 20 साल, 25 साल या उस व्यक्ति की डेथ, इन दोनों में से जो पहले हो जाएगा उसको वो पैसा देगी उस वक्त, और कुछ कंसिडरेशन देकर। कंसिडरेशन मतलब कुछ फीस, प्रीमियम बोलते हैं उसको। समझो मैंने साल भर का 20,000 रुपये प्रीमियम भरा है, तो मुझे 25 साल के बाद एक मान लो 5 लाख रुपए देंगे वो, या डेथ हो गई कभी भी, नेचुरल डेथ वगैरह, तो दूसरे साल ही मुझे उतने पैसे देंगे वो। ऐसा कुछ इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट रहता है। तो लाइफ इंश्योरेंस किसी के मरने का कॉन्ट्रैक्ट रहता है, मरने के ऊपर या उसके पहले। अब दूसरी स्लाइड देखो, उसके लाइफ के इंश्योरेंस की कुछ टाइप्स है। लाइफ इंश्योरेंस क्या रहता है? ह्यूमन बींग्स के जिंदगी पे रहता है, यानी वो जिंदा है तो भी उसको 25 साल के बाद, 20 साल के बाद, 15 साल के बाद, कुछ साल के बाद पैसे मिलेंगे, या वो मर गया कभी भी उतने साल के पहले तो भी उसको पैसे मिलेंगे, उतने पूरे भरे नहीं तो भी। जैसे 25 साल की पॉलिसी है और वो 5वें साल मर गया तो उतने पूरे पैसे मिल जाएंगे, और 25 साल वो मरा ही नहीं तो भी उतने पैसे मिल जाएंगे उसको। उसमें पहला है होल लाइफ पॉलिसी। क्या है पहला? देखो स्क्रीन पे तुम्हारे, होल लाइफ पॉलिसी। इस पॉलिसी में इंश्योर्ड कैन नॉट रिसीव मनी फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी टिल ही इज अलाइव। जब तक आदमी जिंदा है तब तक एक पैसा भी इस पॉलिसी में नहीं मिलेगा। प्रीमियम का रेट लो है, कम रहता है। मनी बिकम्स पेबल ऑन द डेथ ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन टू द नॉमिनी और लीगल हीयर्स ऑफ द डिसीज्ड पॉलिसी होल्डर। देखो जैसे ही वो मर जाता है, उस व्यक्ति के वारिस को, क्या बोल रहे हैं वो, लीगल हीयर, हीयर मतलब वारिस ऑफ डिसीज पॉलिसी होल्डर, डिसीज मतलब मरा हुआ, टपका हुआ, उस व्यक्ति के हीयर्स को ये पैसा दे होता है, देना होता है। दूसरा देखो, अगले स्क्रीन पे देखो, एंडोमेंट इंश्योरेंस पॉलिसी। ये पॉलिसी क्या रहती है? स्पेसिफिक पीरियड के लिए रहती है, स्पेसिफिक पीरियड के लिए रहती है। सम एश्योर्ड अलोंग विद बोनस इज गिवन ऑन द डेथ ऑफ द इंश्योर्ड टू द डिपेंडेंट और ऑन द एक्सपायरी ऑफ स्पेसिफिक पीरियड टू द इंश्योर्ड। यानी क्या है, इसमें डेथ हो गई या वो पीरियड कंप्लीट हो गया तो वो पॉलिसी का पैसा मिलता है, उसको क्या बोलते हैं, एंडोमेंट पॉलिसी। तीसरी है टर्म पॉलिसी। टर्म पॉलिसी स्पेसिफिक पीरियड के लिए निकाली जाती है। इसका प्रीमियम लो रहता है, प्रीमियम इज फिक्स एंड डज नॉट चेंज ड्यूरिंग द टर्म्स ऑफ द पॉलिसी। इन केस ऑफ अल्टीमेट अनटाइमली डेथ, डिपेंडेंट्स विल रिसीव द बेनिफिट अमाउंट स्पेसिफाइड इन द टर्म्स लाइफ इंश्योरेंस एग्रीमेंट, है ना। ये टर्म इंश्योरेंस कुछ पीरियड के लिए रहती है, प्रीमियम फिक्स रहता है, चेंज नहीं होता, और अनटाइमली डेथ हो गई, मुझे ऐसी डेथ हो गई, कभी भी डेथ हो गई उसकी पॉलिसी होल्डर की, तो डिपेंडेंट को उसका बेनिफिट मिलता है। तो टर्म मतलब कुछ पीरियड। चौथा देखो अभी, चौथा क्या है, एन्यूटी पॉलिसी। द इंश्योर्ड हैज टू पे द प्रीमियम इन लमसम, लमसम मतलब इकट्ठा, और इंस्टॉलमेंट, एक साथ पैसे देना पड़ता है या इंस्टॉलमेंट्स पे पैसा देना पड़ता है। द इंश्योर्ड विल रिसीव बैक स्पेसिफिक सम पीरियोडिकली
फ्रॉम स्पेसिफाइड डेट ऑनवर्ड आइदर फॉर लाइफ और फॉर अ फिक्स नंबर ऑफ ईयर्स इट इज लाइक पेंशन पेमेंट स्कीम। तो एन्यूटी पॉलिसी मतलब आपको उसका पैसा हर साल मिलेगा या पेरियोडिकली मिलेगा या स्पेसिफिक डेट पे मिलेगा, है ना। पेरियोडिकली जैसे पेंशन कैसे मिलती है आपको हर महीने, जैसे मान लो किसी ने 25 लाख रुपए जमा कर दिए तो उसको फिर 25,000 रुपये महीने का उसको मिलते जाएगा, है ना, ऐसा कुछ टर्म्स रहता है, उसको बोलते हैं एन्यूटी पॉलिसी। उसको क्या बोलते हैं? एन्यूटी पॉलिसी। बाद में है मनी बैक पॉलिसी। बाद में क्या है? मनी बैक पॉलिसी। मनी बैक पॉलिसी प्रोवाइड्स अ रेगुलर परसेंटेज ऑफ द सम एश्योर्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द पॉलिसी एंड ऑल्सो गारंटीज द बेनिफिट ऑफ फुल सम एश्योर्ड इन द इवेंट ऑफ डेथ, है ना। ये मनी बैक पॉलिसी में आपको थोड़ा थोड़ा पैसा मिलते जाता है, थोड़ा थोड़ा पैसा मिलता, मतलब देखो जैसे दिस मनी बैक पॉलिसी इज अवेलेबल फॉर 4 टर्म्स 12 ईयर्स 15 ईयर्स 20 ईयर्स 25 ईयर्स। तो आपको थोड़ा थोड़ा पैसा मिल जाता है, समझो 10वें साल कुछ पैसा मिला, 15वें साल कुछ पैसा मिला, 20वें साल कुछ पैसा मिला, 25वें ईयर में पूरे पैसे मिल जाते हैं। तो मनी बैक वाले थोड़े थोड़े पैसे आपको रिटर्न करते हैं और जो प्रीमियम है वो रेगुलर आपको भरते रहना पड़ता है। 5 टाइप्स हो गए। छठवा देखो, चाइल्ड इंश्योरेंस, है ना। ये एक छोटे बच्चे की फ्यूचर फाइनेंशियल नीड देख के बनाई गई है। चाइल्ड इंश्योरेंस पॉलिसी अलाउज किड्स टू लीव देयर ड्रीम्स। चाइल्ड इंश्योरेंस पॉलिसी का एडवांटेज ये है कि चिल्ड्रंस प्लान में इन्वेस्ट करना है बचपन से ही, फ्रॉम द टाइम ऑफ द चाइल्ड इज बॉर्न एंड प्रोविजन टू विदड्रॉ द सेविंग वंस द चाइल्ड रिचेस एडल्टहुड। एकदम बच्चा बॉर्न हो गया, पैदा हो गया, तो तभी उसकी पॉलिसी निकाली जा सकती है, और एडल्टहुड में चले गया तो उसको विड्रॉल कर सकते हैं। सम चाइल्ड इंश्योरेंस पॉलिसी अलाउ इंटरमीडिएट विड्रॉल्स ऑफ सर्टन अमाउंट्स या इंटरवल्स। कभी कभी बीच बीच में भी विड्रॉल अलाउड रहता है, कभी बीमारी बीमारी कुछ हो गई अनफॉर्चुनेटली तो। पर ये मस्त पॉलिसी है, बच्चा बर्थ लेता है तभी ये पॉलिसी निकालते हैं और वो करियर में जाएगा, एडल्टहुड में जाएगा, शादी की उम्र तक उसका भरपूर पैसा मिल जाता है। ये बहुत मस्त पॉलिसी है। सातवा है रिटायरमेंट प्लान्स। रिटायरमेंट प्लान्स क्या है? सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट प्लान प्रोवाइड द इंश्योरेंस एंड इनकम ड्यूरिंग द रिटायरमेंट इज कॉल्ड रिटायरमेंट प्लान। आपको रिटायरमेंट के वक्त पैसे मिलते, समझो अपने अपने रिटायरमेंट अपन ने डिसाइड करना है। मैंने सोचा कि मैं ईयर के 55 साल तक काम कर सकूँगा, तो 55 साल मेरी रिटायरमेंट उम्र हो गई। कोई बोलता है कि नहीं नहीं मैं 50 साल की उम्र तक काम करूँगा, बाद में नहीं करूँगा, तो वो उसकी रिटायरमेंट की उम्र हो गई। कोई बोलेगा 60 साल, तो उसकी 60 साल की उम्र हो गई। तो ये जो होता है रिटायरमेंट प्लान्स वो ऐसे होता है, ऑन मैच्योरिटी दिस कॉर्प्स इज बीइंग इन्वेस्टेड फॉर जनरेटिंग अ रेगुलर इनकम स्ट्रीम विच इज रेफर्ड टू एज पेंशन और एन्यूटी, है ना। तो जो पेंशन प्लान है वो आपको रिटायरमेंट की उम्र तक पैसा देना शुरू कर देता है, क्योंकि तब आपकी अर्निंग कैपेसिटी कम हो जाती है, तो वहाँ से आपको पैसे मिलने शुरू हो जाते हैं। यूलिप पॉलिसी। यूलिप का मतलब होता है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी। यू फॉर यूनिट, एल फॉर लिंक्ड, आई फॉर इंश्योरेंस, पी फॉर पॉलिसी। यूलिप बोलते प्यार से उसको। यूलिप बहुत पॉपुलर है। कंबाइन द बेनिफिट ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी विथ म्यूचुअल फंड्स। अब जो शेयर इसमें के पैसे हैं ना, जनरली शेयर मार्केट में लगाए जाते हैं, और शेयर मार्केट में जैसा बेनिफिट मिल जाता है या मिलते रहता है, वैसे ही यूलिप के पैसे ज़्यादा मिलेंगे या कम मिलेंगे, ये म्यूचुअल फंड से अटैच रहता है। अब ये म्यूचुअल फंड्स वगैरह अपने को आगे स्टडी में है, अभी नहीं, पर वो कैसा है कि अपन बाद में देखेंगे म्यूचुअल फंड्स क्या है, पर अभी आप टाइम बिंग लिए इतना ध्यान में रखो, ये पॉलिसी यूलिप है, और ये पॉलिसी किसके साथ कंबाइन रहती है? शेयर मार्केट के साथ जुड़ी हुई है, होता है यूलिप। ओके, तो ये हो गया लाइफ इंश्योरेंस के टाइप्स, है ना। तो लाइफ इंश्योरेंस क्या रहता है? जो ह्यूमन बींग्स के लाइफ पे निकालते हैं। नॉर्मली उसके पैसे कैसे मिलेंगे?
मरने पे मिलेंगे या मरा नहीं तो उत्ते पॉलिसी का पीरियड खत्म होने पे मिलेंगे। उसके हमने 7-8 टाइप्स कौन से देखे, होल लाइफ देखा, एंडोमेंट्स देखा, उसके बाद में टर्म्स इंश्योरेंस देखा, उसके बाद में याद करो एन्यूटी पॉलिसी देखी, मनी बैग देखी, चाइल्ड इंश्योरेंस देखा, रिटायरमेंट प्लान देखा और यूलिप जो शेयर बाजार से लिंक है। अब अगली स्क्रीन पे आ जाओ अगली स्क्रीन पे। उसका नाम है मरीन इंश्योरेंस। क्या नाम है उसका? मरीन। मरीन मतलब जहाज से संबंधित, पानी से संबंधित, वॉयज से संबंधित, जर्नी जो पानी में करते हैं। पानी में एक तो पैसेंजर लेकर जाएंगे या गुड्स लेकर जाएंगे, तो ये उससे प्रोटेक्शन मिलता है। देखो आप क्या लिखा तुमने स्क्रीन पे, इट गिव्स द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द लॉसेस कॉज्ड ड्यू टू डेंजर्स ऑफ सी, समुंदर के खतरे से ये इंश्योरेंस मिलता है। इट इज द फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट कवरिंग द लॉस और डैमेज टू वेसल और टू कार्गो और पैसेंजर ड्यूरिंग द मरीन ट्रांसपोर्टेशन। मरीन ट्रांसपोर्टेशन, ऑल द प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस आर अप्लीकेबल टू मरीन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, है ना। तो मरीन मतलब जहाज से संबंधित कॉन्ट्रैक्ट रहता ही है ना। इसके टाइप्स देखो क्या है। सबसे पहला टाइप है वॉयज पॉलिसी। वॉयज मतलब आना और जाना, इसको वॉयज बोलते हैं। इट इज द पॉलिसी इन विच द सब्जेक्ट मैटर इज इंश्योर्ड फॉर स्पेसिफिक वॉयज इरेस्पेक्टिव ऑफ टाइम इन्वॉल्व इन इट। इन दिस केस रिस्क बिगिन ओनली व्हेन द शिप स्टार्ट ऑन वॉयज। वॉयज मतलब मान लो मुंबई से ओसाका, मुंबई से ओसाका और ओसाका से मुंबई आना जाना है, इसको वॉयज बोलेंगे। तो ये वॉयज की पॉलिसी उस वक्त जो डैमेज होगा उसमें रहती है, फिर वो कितना भी पीरियड लगने दो, एक महीने में वापस आ जाए, 15 दिन में वापस आ जाए, 8 दिन में आ जाए, 1 साल लगे तो भी वो वॉयज कंप्लीट होने तक उसकी वैलिडिटी रहती है। तो इसमें रिस्क जो कंपनी उठा रही है वो एक वॉयज तक रहती है, जर्नी कंप्लीट होगी। जैसे यहाँ से लंदन तक का वॉयज था और लंदन से वापस से इंडिया, तो वॉयज कंप्लीट हो जाता है। फिर उसको पीरियड कितना लग रहा है, 1 महीना 15 दिन, वो नहीं काउंट करते। दूसरा है टाइम पॉलिसी। टाइम पॉलिसी में समय देखा जाता है, वॉयज नहीं देखा जाता। जैसे 1 साल की है तो 1 साल में तुम लंदन गए, ये सिंगापुर गए, ये दुबई गए, ये और कहीं गए या कहीं गए नहीं, वो नहीं है। पीरियड देखा जाता है उसमें, टाइम देखा जाता है। इन दिस पॉलिसी द सब्जेक्ट मैटर इज इंश्योर्ड फॉर अ डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम। टाइम पॉलिसी कैन नॉट बी फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 1 ईयर, 1 साल से ज़्यादा नहीं रहता, बट इट मे कंटेन द कंटिन्यूएशन क्लॉज। लेकिन उसमें कंटिन्यू करने का एक नियम रहता है। कंटिन्यूएशन क्लॉज मीन्स इफ द वॉयज इज नॉट कंप्लीटेड विद इन द स्पेसिफिक टाइम, रिस्क शैल बी कवर्ड अंटिल द वॉयज इज कंप्लीटेड, है ना। तो वॉयज जैसे कंप्लीट हो जाता है वैसे ही उसका साथ कोई संबंध नहीं, पीरियड से संबंध है उसका, 1 साल। तीसरा देखो मिक्स। मिक्स मतलब मिक्स फ्लेवर है, दोनों का कॉम्बिनेशन। किस दोनों का? टाइम पीरियड भी आ गए और जर्नी वॉयज भी आ गए। दिस पीरियड इज कॉम्बिनेशन ऑफ वॉयज एंड टाइम, देयरफॉर कवर द रिस्क ऑफ बोथ पर्टिकुलर वॉयज फॉर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। यानी इंडिया टू लंदन 1 साल ऐसा बोला जाता है, यानी इंडिया टू लंदन भी कवर हो गया और 1 साल भी कवर हो गया। वैल्यूड पॉलिसी। अंडर दिस पॉलिसी गुड्स आर इंश्योर्ड फॉर एग्रीड वैल्यू बिटवीन द इंश्योरर एंड इंश्योर्ड एट द टाइम ऑफ टेकिंग द पॉलिसी। दिस फैसिलिटेट्स ईजी सेटलमेंट ऑफ क्लेम इन केस ऑफ सच आइटम्स वेर इट इज डिफिकल्ट टू असेस द रियल मार्केट वैल्यू, है ना। तो वैल्यूड मार्केट मतलब क्या है? इंश्योरेंस कंपनी एग्री करते हैं या दोनों के बीच में एग्री होता है, उसकी वैल्यू पॉलिसी निकालते वक्त ही एग्री हो जाते हैं। इससे क्लेम्स इजी हो जाता है। जैसे कितने रुपए का क्लेम रहेगा वो उसी समय वो आकलन कर लेते हैं, जब पॉलिसी निकालना है तभी वैल्यूएशन करते हैं। 5 नंबर देखो, ब्लैंकेट पॉलिसी। दिस पॉलिसी इज टेकन फॉर मैक्सिमम लाइफ लिमिट ऑफ द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ प्रोटेक्शन एंड फुल अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज पेड इन द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड।
दिस पॉलिसी डिस्क्राइब द नेचर ऑफ गुड्स इंश्योर्ड, स्पेसिफिक रूट, पोर्ट, पोर्ट मतलब जहाँ पर जहाज रुकता है वो, प्लेस ऑफ वॉयज, इट कवर मल्टीपल रिस्क ऑन वन प्रॉपर्टी और इट कवर्स मेनी प्रॉपर्टीज अंडर द पॉलिसी। तो ब्लैंकेट पॉलिसी मतलब क्या? ब्लैंकेट पॉलिसी का मतलब होता है जो पॉलिसी बहुत बड़े प्रीमियम पे खरीदी जाती है और फुल अमाउंट्स, है ना, प्रोटेक्शन ऑफ फुल अमाउंट्स ये किया जाता है। दिस पॉलिसी इज टेकन फॉर मैक्सिमम लिमिट, ज़्यादा से ज़्यादा लिमिट उसमें रहती है, पूरी लिमिट उसमें लिया जाता है जितनी हो सकती है उतनी, और उसमें मल्टीपल रिस्क कवर होती है वन प्रॉपर्टी की और इट कवर्स मेनी प्रॉपर्टी अंडर द पॉलिसी, है ना। जैसे बहुत सारी प्रॉपर्टी मतलब जैसे मेरे बिल्डिंग में बिल्डिंग भी कवर हो जाएगी, फिर बिल्डिंग के पार्किंग में रखी हुई गाड़ी भी कवर हो जाएगी, उसमें मशीनरीज रखी है वो भी कवर हो जाएगी, उसमें एसी, प्रोजेक्टर, कंप्यूटर, फैन, स्क्रीन, टीवी, लैपटॉप सब कवर हो जाएगा जे अलॉन्ग विद द बिल्डिंग। ब्लैंकेट पॉलिसी मतलब चद्दर में जितना आ जाएगा तब, फिर उसमें फर्नीचर भी आ गया, फिर उसमें जो कीमती चीज़ें हैं वो सभी चीज़ें आ जाएंगी अलॉन्ग विद द बिल्डिंग। तो ब्लैंकेट पॉलिसी कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी है। ब्लैंकेट पॉलिसी में सिर्फ बिल्डिंग नहीं, तो बिल्डिंग में की सारी चीज़ें आ जाएंगी। पोर्ट रिस्क पॉलिसी, पोर्ट रिस्क पॉलिसी मतलब क्या है? वेसल्स जो रहती है उसकी सारे रिस्क उसमें कवर होती है। इट इज़ एंकर्स एट द पोर्ट फॉर पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। दिस पॉलिसी इज अप्लीकेबल टिल द डिपार्चर ऑफ द वेसल फ्रॉम द पोर्ट। डिपार्चर मतलब जैसे जहाज निकलती है वहाँ से तो पोर्ट तक सारे रिस्क को कवर करता है। कंपोजिट पॉलिसी नेक्स्ट नंबर क्या है? कंपोजिट पॉलिसी, दिस पॉलिसी, दिस टाइप ऑफ पॉलिसीज परचेज फ्रॉम मोर देन वन इंश्योरर, एक से ज़्यादा इंश्योरेंस के पास से वो खरीदी जाती है। लाइबिलिटी ऑफ ईच इंश्योरर इज सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट। दिस पॉलिसी इज टेकन व्हेन द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस इज वेरी हाई। जब इंश्योरेंस की अमाउंट ज़्यादा रहती है तब ये निकाला जाता है, एक से ज़्यादा कंपनी की तरफ से निकाला जाता है। सिंगल वेसल पॉलिसी मतलब दिस पॉलिसी इज सुटेबल फॉर स्मॉल शिप ओनर हैविंग द ओनली वन शिप और हैविंग वन शिप इन डिफरेंट फ्लीट। इट कवर्ड द रिस्क ऑफ वन वेसल ऑफ द इंश्योर। सिर्फ फ्लीट मतलब जहाज़ों का समूह, समूह में से एक ही जहाज का वो इंश्योरेंस रहता है, उसको बोलते हैं सिंगल वेसल। फ्लीट पॉलिसी या ब्लॉक पॉलिसी में जहाज का जो पूरा ग्रुप रहता है ना, पूरी फ्लीट, फ्लीट मतलब जहाज़ों का समूह, अनेक वेसल्स, एक से ज़्यादा वेसल्स मतलब फ्लीट। तो फ्लीट पॉलिसी में सेवरल शिप बिलोंग्स टू द वन ओनर आर इंश्योर्ड अंडर द सेम पॉलिसी। इन अ ब्लॉक पॉलिसी कार्गो ओनर इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द डैमेज और लॉस ऑफ कार्गो इन ऑल मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कवरिंग ऑल द रिस्क ऑफ रेल, रोड, सी ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा। तो फ्लीट इंश्योरेंस मल्टीपल इंश्योरेंस है ना। उसके बाद में देखो है तीसरा टाइप है, पहला टाइप कौन सा देखा तुमने? लाइफ इंश्योरेंस बराबर है। दूसरा टाइप कौन सा देखा? मरीन इंश्योरेंस, मरीन मतलब जहाज से संबंधित। तीसरा टाइप देखो क्या है, अभी तुम्हारे स्क्रीन पे आया होगा, फायर इंश्योरेंस। क्या आया? फायर इंश्योरेंस। ये तीसरा टाइप है, नंबर नहीं दिया हमने पर तीसरा टाइप है। पहला टाइप कौन सा देखा? लाइफ इंश्योरेंस जो जिंदगी पे निकाला जाता है। दूसरा मरीन इंश्योरेंस जो जहाज पे निकाला, जहाज से संबंधित निकाला जाता है। तीसरा फायर इंश्योरेंस, आग के अगेंस्ट में प्रोटेक्शन है, आग लगने के बाद जो नुकसान होता है उसका प्रोटेक्शन है। फायर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज एग्रीमेंट वेयर बाय द इंश्योरर इन रिटर्न फॉर कंसिडरेशन अंडरटेक्स टू इंडेमनीफाई, इंडेमनीफाई मतलब नुकसान भरपाई कर देना, द इंश्योर्ड अगेंस्ट द लॉस ऑफ प्रॉपर्टी ड्यू टू फायर। एनी प्रॉपर्टी विच इज सब्जेक्ट टू डैमेज बाय फायर कैन बी इंश्योर्ड अगेंस्ट द फायर। द लॉस ड्यू टू फायर, लाइटनिंग एंड एक्सप्लोजन इज ऑल्सो कवर्ड बाय फायर इंश्योरेंस। तो फायर इंश्योरेंस मतलब क्या? फायर इंश्योरेंस का मतलब होता है
जो आग के अगेंस्ट में आपको इंश्योरेंस देता है, आग लगने के बाद जो नुकसान होता है उससे, उसके भी टाइप्स है ना, उसके भी अलग अलग टाइप्स है, 8-9 टाइप्स है। उसमें से पहला टाइप होता है फर्स्ट नंबर वैल्यूड पॉलिसी, है ना। मैं शॉर्ट में बताता हूँ क्योंकि अपने को डिटेल सिलेबस में नहीं है। वैल्यूड पॉलिसी क्या रहती है बताया गया, सब्जेक्ट मैटर अंडर दिस पॉलिसी वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर इज इंश्योर एग्रीड एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट। उसकी वैल्यू प्रॉपर्टी की पहले ही निकाली जाती है, उसको वैल्यूड पॉलिसी बोलते हैं, है ना। बाद में उसकी वैल्यू निकालना कठिन जाता ना। इंश्योरर हैज टू पे द स्पेसिफिक अमाउंट रिस्पेक्ट ऑफ लॉस कॉज ड्यू टू फायर। वैल्यूड पॉलिसी इज टेकन फॉर दोज गुड्स हुज वैल्यू बिकम्स डिफिकल्ट टू कैलकुलेट इन केस ऑफ लॉस बाय फायर। कभी कभी आग लगने के बाद उसकी वैल्यू निकालना बहुत कठिन जाता है। जैसे आर्ट वर्क, स्क्रिप्चर्स, पेंटिंग। आर्ट वर्क, स्क्रिप्चर्स, पेंटिंग्स मतलब क्या, जैसे देखो ये जो पेंटिंग वेंटिंग रहता है ना, ये बहुत कठिन है उसका वैल्यूएशंस करना। क्योंकि जैसे एक पेंटिंग है मेरे पास, वो पेंटिंग की वैल्यू मेरे लिए बहुत है क्योंकि मेरे दोस्त ने उसको निकाला है, पर तुम देखेंगे तो उसकी वैल्यू कम रहेगी तुम्हारे लिए, और कोई देखेगा तो उसके लिए उसकी वैल्यू कम रहेगी। तो किसी के लिए उसकी वैल्यू लाखों रहती, करोड़ों रहती, किसी के लिए 1,000 रहती, या किसी के लिए कुछ भी नहीं रहती, 50-100 रुपये रहती। इसको क्या बोलते हैं, वैल्यूड पॉलिसी। तो उसकी पैसे ही, पैसे की वैल्यूएशन पहले ही निकाल लेते हैं, ये वैल्यूड पॉलिसी। सेकंड, एवरेज पॉलिसी। एवरेज पॉलिसी का एग्जांपल देखो, इफ अ पॉलिसी इज टेकन फॉर 1 लाख अगेंस्ट द मार्केट वैल्यू ऑफ 2 लाख एंड लॉस इनकर्ड 50,000, देन इंश्योरेंस कंपनी 25,000 देती है। जैसे देखो प्रॉपर्टी की वैल्यू है 1 करोड़, अपने प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी है 1 करोड़, हमने इंश्योरेंस निकालना चाहिए 1 करोड़ का, हम निकाल रहे हैं 50 लाख का, मतलब आधा निकाल रहे हैं। फिर एक दिन हमारे बिल्डिंग को आग लग गई और 2 लाख का नुकसान हो गया, तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करेंगी, 1 ही लाख रुपए कॉम्पनसेशन देंगी। उसको बोलते हैं एवरेज पॉलिसी। आप जितने परसेंटेज में लेंगे, अगर आप 1 करोड़ की प्रॉपर्टी हो और 25 लाख का ही इंश्योरेंस निकालते हो, तो कितने परसेंट का इंश्योरेंस निकाला आपने, 25% का। फिर एक दिन 1 लाख का लॉस हो गया तो आपको 1 लाख नहीं मिलेंगे, उसके 25% यानी 25,000 मिलेंगे। फिर है स्पेसिफिक पॉलिसी। स्पेसिफिक पॉलिसी क्या है ना, ये स्पेसिफिक पॉलिसी, इन केस ऑफ स्पेसिफिक पॉलिसी प्रॉपर्टी इज इंश्योर्ड फॉर डेफिनेट सम रिस्पेक्ट ऑफ मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू कुछ भी रहो, इसकी स्पेसिफिक वैल्यू निकाली जाएगी, है ना। जैसे एग्जाम्पल देखो, प्रॉपर्टी ऑफ रुपीज 1 लाख इज इंश्योर्ड फॉर 75,000 एंड लॉस ड्यू टू फायर इज 40,000, देन इंश्योरेंस कंपनी इज विल पे 40,000 इन फुल एज कॉम्पेंसेशन। तो स्पेसिफिक पॉलिसी में इफ देर इज लॉस, स्टेटेड अमाउंट विल हैव टू बी पेड टू द पॉलिसी होल्डर। एक स्पेसिफिक अमाउंट दी जाती है। द प्रॉपर्टी इज इंश्योर्ड फॉर अ डेफिनेट सम इरिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू कुछ भी रहो, उसकी प्रॉपर वैल्यूएशन या उसका स्पेसिफिक वैल्यूएशन किया जाता है। 4 नंबर देखो, फ्लोटिंग पॉलिसी। दिस पॉलिसी कैन बी टेकन फॉर अ गुड्स विच आर लेइंग एट डिफरेंट लोकेशन। अलग अलग जगह पे जो गुड्स रखे रहते हैं, एक लोहारा में रखा है, एक वड़गांव में रखा है, एक दत्तजोक में रखी है गुड्स, उन सब की एक साथ पॉलिसी निकालना फ्लोटिंग पॉलिसी है। 5वां, एक्सेस पॉलिसी। एक्सेस पॉलिसी क्या रहती है, व्हेन द वैल्यू ऑफ द गुड्स और स्टॉक फ्लक्चुएट, गुड्स की वैल्यू अगर कम ज्यादा होती है, देन एक्सेस पॉलिसी में भी टेकन फ्रॉम नॉर्मल पॉलिसी। क्या किया जाता है देखो, एग्जाम्पल देखो नीचे, इफ द वैल्यू ऑफ स्टॉक रेंजेस फ्रॉम 1,50,000 एंड ₹2 लाख, देन वन पॉलिसी इज टेकन फॉर 1 लाख एंड अदर पॉलिसी इज टेकन फॉर 50,000। गुड्स की वैल्यू कितनी हो रही है, 1 लाख हो रही है और 1.5 लाख हो रही है, तो 1 लाख की एक पॉलिसी लेते हैं और 50,000 की एक पॉलिसी। 6 नंबर देखो, री इन स्टेटमेंट पॉलिसी।
दिस इज द टाइप ऑफ पॉलिसी वेयर द इंश्योर अंडरटेक्स टू रिप्लेस द प्रॉपर्टी और गुड्स लॉस्ट बाय फायर. इन दिस पॉलिसी इंस्टेड ऑफ पेइंग कॉम्पनसेशन फॉर अ प्रॉपर्टी लॉस बाय फायर प्रॉपर्टी इज रिप्लेस. वाइल पेइंग द कॉम्पनसेशन द डेप्रिसिएशन अमाउंट ऑफ द पॉलिसी इज नॉट टेकन इन टू कंसिडरेशन. द रेट ऑफ प्रीमियम इज हायर इन द रीस्टेटमेंट पॉलिसी. ये पॉलिसी कैसी रहती है? पॉलिसी रिप्लेसमेंट्स के, प्रॉपर्टी रिप्लेसमेंट के लिए रहती है. यानी मुझे एक प्रॉपर्टी बेचकर दूसरी प्रॉपर्टी लेना है, रिप्लेस करना है, ये घर बेच के दूसरा घर लेना है ना. तो वो क्या करते हैं, इन दिस पॉलिसी इंस्टेड ऑफ पेइंग द कॉम्पनसेशन फॉर द प्रॉपर्टी लॉस बाय फायर, आग लगने से नुकसान होने से अच्छा प्रॉपर्टी इज रिप्लेस, वो रिप्लेसमेंट्स के लिए मदद किया जाता है ना. तो रिप्लेसमेंट जो है एक की जगह पे दूसरा, उसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट पॉलिसी. कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी, उसमें सिर्फ आग नहीं तो क्या कवर होता है, फायर इंश्योरेंस पॉलिसी डज नॉट कवर द राइट्स, ये दंगा फसाद वॉर, पर ये पॉलिसी में सब कवर होता है. क्या क्या कवर होता है, एक्सप्लोजन यानी बम विस्फोट, अर्थक्वेक यानी भूकंप आ गया, फ्लड्स यानी बाढ़ आ गई, लड़ाई है, दंगा फसाद है, सभी कवर होता है. कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी, आठ नंबर, नेक्स्ट नंबर देखो. कॉन्सिक्वेंशियल लॉस मतलब क्या है, आग लगने के बाद भी कुछ नुकसान होता है. देखो आग लग गई अपने ट्यूशन में तो क्या हो जाएगा, मेरा रूम का कलर खराब हो जाएगा, काला काला हो जाएगा, बुक्स जल जाएंगे, पंखे वायर सब जल जाएंगे, इसमें मेरा 5 लाख रुपए का नुकसान हो गया. पर कॉन्सिक्वेंशियल लॉस, इसके बाद में कभी मेरा लॉस क्या हुआ पता है, कि मैंने एक महीना ट्यूशन नहीं ले सका मैं, क्योंकि वापस से कलरिंग करना, पंखे लगाना, वायर लगाना, बुक्स खरीदना, एक एक बुक्स लाना पड़ा मेरे को, तो एक महीना मेरा डिस्टर्ब था बिजनेस. तो वो कॉन्सिक्वेंशियल लॉस है. कॉन्सिक्वेंशियल मतलब परिणाम स्वरूप जो लॉस होता है ना, उसको बोलते हैं कॉन्सिक्वेंशियल लॉस. तो एक हर दुकान को आग लग गई तो जितना नुकसान हुआ वो तो हुआ आग से, पर वो दुकान एक महीना तो लगता है खड़ा होने को वापस से, है ना. दूसरे दिन दुकान नहीं चालू होता, कलरिंग करना, काउंटर बनाना, फर्नीचर बनाना, तो वो एक महीना जो धंधे का लॉस हुआ वो इसमें कवर होता है. और लास्ट नंबर है 9 नंबर, स्प्रिंकलर लीकेज पॉलिसी. ये क्या होता है, डैमेज टू प्रॉपर्टी कॉज बाय ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम दैट इज लीक और डिस्चार्ज वाटर एक्सीडेंटली रादर देन इन रिस्पॉन्स टू फायर एंड स्मोक. हाउएवर डिस्चार्ज और लीकेज ऑफ वाटर ड्यू टू हीट कॉज बाय द फायर, रिपेयर्स और अल्टरेशन ऑफ बिल्डिंग, अर्थक्वेक, वॉर, एक्सप्लोजन आर नॉट कवर्ड. ये लीकेज पॉलिसी क्या रहती है, एक स्प्रिंकलर लीकेज पॉलिसी कवर डैमेज टू प्रॉपर्टी कॉज बाय ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम दैट इज लीक्ड और डिस्चार्ज वाटर एक्सीडेंटली रादर देन इन रिस्पॉन्स टू फायर एंड स्मोक. यानी इसमें क्या होता है कि वो ऑटोमेटिकली जो फायर डिस्ट्रॉय हो रहा है ना, लीक हो रहा है, वाटर डिस्चार्ज हो रहा है एक्सीडेंटली, उसके बारे में मिलता है. हाउएवर द डिस्चार्ज और लीकेज ऑफ वाटर ड्यू टू हीट कॉज बाय फायर, रिपेयर और अल्टरेशंस ऑफ बिल्डिंग, अर्थक्वेक, वॉर, एक्सप्लोजन नॉट कवर्ड. तो ये स्प्रिंकलर लीकेज अगर हो रहा है तो उसमें मिलता है. तो देखो ये टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस इतना सीरियसली लेना नहीं है, 3 टाइप्स मेन लेना है, उसके सब टाइप्स नहीं लिया तो भी चलता. 3 टाइप कौन से हैं मेनली, लाइफ इंश्योरेंस है, मरीन इंश्योरेंस है और फायर इंश्योरेंस है. ये 3 टाइप है, उसके जो सब टाइप्स है वो ज़्यादा सीरियसली लेना नहीं है. पर ये 3 टाइप समझे तो भी है कि फायर इंश्योरेंस आग के खिलाफ आपको प्रोटेक्शन देता है, मरीन इंश्योरेंस जहाज पानी से संबंधित आपको प्रोटेक्शन देता है, और लाइफ इंश्योरेंस मर गया या उतना पीरियड हो गया उतने पीरियड के लिए वो कॉम्पेंसेशन देता है. ये सब टाइप्स है. ओके तो अपन यहाँ रुक जाते हैं, इतना पढ़ के देखो, टाइप्स नहीं समझे तो सीरियसली मत लो, ज़्यादा कोई टेंशन वाली बात नहीं है. एक आधा टाइप्स नहीं समझे तो छोड़ दो, एक बेसिक का ओवरव्यू ले रहे हैं अपन, रटना नहीं है, सिर्फ समझने की कोशिश करना है, ठीक है.
ओके, आज के लिए इतना ही है। हैव अ वेरी वेरी गुड डे। बाय।